हेलो दोस्तों, गोल टेक्निकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जिन बीएलयू भाइयों की आधार आईडियों को सीएसई ने डीएक्टिवेट कर दिया था, अब सीएसई ने उन सभी को एक्टिवेट कर दिया है। आप भी जल्दी से चेक करें कि आपकी आईडी एक्टिवेट हुई है या नहीं। दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से करूँगा एक गुजारिश, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए घंटी के आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा वो लिस्ट जिसमें हमें दिखाया गया कि जिन जिनकी आईडी को अभी एक्टिवेट सीएससी की तरफ से कर दी गया है। इसमें आपको ऑपरेटर नेम, ऑपरेटर आईडी और स्टेटस दिखाया जाएगा एक्टिवेट। तो अभी जल्दी चेक करें इस लिस्ट में कि आपका नाम एक्टिवेट हुआ है या नहीं हुई आपकी आईडी। इस साइट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। एक बार मैं और बताना चाहूँगा कि नीचे की तरफ हमें कुछ और आइडियाँ हैं जिसको अभी एक्टिवेट नहीं किया गया, पर उसमें बताया गया है हमें, इसमें बताया गया है कि हमें 2 से 3 दिन लगेंगे अभी एक्टिवेट होने में। तो आप जल्दी से चेक करेंगे आपकी आईडी एक्टिवेट हुई है या नहीं। अगर नहीं हुई है तो आप इसमें चेक करें कि आपकी आईडी 2 या 3 दिनों तक एक्टिवेट हो जाएगी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बीएलयू भाइयों तक इस इन्फॉर्मेशन को पहुँचाएं और जल्दी से जल्दी वो भी अपनी आईडी को चेक कर सकें कि उनकी आईडी एक्टिवेट हुई है या नहीं। अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।